नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जिसकी बाहरी और अंदरूनी स्वच्छता का सीधा असर पड़ता है हमारी सेहत पर। बाहर की सफाई का तो हम खुद ख्याल रखते ही हैं, लेकिन भीतर की यानी कि अंदर की सफाई का जिम्मा है हमारी किडनी पर। किडनी हमारे इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ी होती है, जिसमें करीब 11 लाख नेफ्रॉन मतलब ब्लड फिल्टर करने वाली जाली होती है, जो हर मिनट करीब 125 मिलीलीटर ब्लड को प्यूरिफाई करती है, टॉक्सिन को यूरिन ब्लैडर में डालती है और ब्लड में पानी के लेवल को मेंटेन करती है। ब्लड में सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट का बैलेंस बनाती है, साथ में जरूरी हार्मोन्स भी बनाती है। लेकिन कई बार गलत रूटीन, खराब लाइफस्टाइल के चलते हम अपनी किडनी को खतरे में डाल देते हैं और इसकी वजह से किडनी में इंफेक्शन, यूरिन में प्रोटीन आना, किडनी का आकार बदलना, स्टोन बनना और किडनी डैमेज होने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब सवाल यह है कि हमें कब अपनी किडनी की चिंता करनी चाहिए, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। जिस तरह 10 में से एक अडल्ट किडनी की किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे में बेहतर तो ये होगा कि हम इंतजार क्यों करें। हम इंतजार नहीं करना चाहिए और अभी से लेना चाहिए योग का सहारा। योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। ये आज आप भुट्टा भून रहे हैं? प्रणाम। ये भुट्टा जो है ये किडनी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे ये हाँ, सीजनल भी है। इस समय पूरे देश में लोग भुट्टा खाते हैं जी। लोग सोचते हैं कि ये खाली स्वाद के लिए है, स्वाद के लिए भी है, ये सेहत के लिए भी जरूरी है। अलग अलग सीजन में हमारी बहुत सी ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं जो हमें आरोग्य प्रदान करती हैं, उसमें से ये भुट्टा भी एक ऐसा ही आरोग्य कारक हमारा आहार है जो हमारे किडनी को भी स्वस्थ बनाता है, हमें भरपूर ऊर्जा भी देता है। अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के जो आहार होते हैं उनका ऐसे ही हम यदि सेवन करते रहें तो हमें दवाइयों की आवश्यकता ही ना हो। बात यह है कि हमने अपने परंपरागत जो आहार प्रक्रिया थी उसको छोड़ दिया, इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है बिना पी औषधि ही व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्य विहीनस्य भेषजानाम सतैरपि। आज हम किडनी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ साथ हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे खान पान के तौर तरीके, कुछ इस प्रकार के क्वाथ जो आज मैंने कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे हमारी अब ये जामुन है, इस समय जामुन आ रहा है, अब जामुन खाएं इस समय। अब जामुन भी है और आम भी है। अब जो डायबिटीज वाले हैं वो आम की तरफ लपकते हैं, अरे भाई जामुन खा ले, वो भी तो कितनी अच्छी है और उसको गुठली बचा ले जी। आम के आम गुठली के दाम, और आम खा करके उसकी गुठली को गुजरात में लोग मुखवास बना करके खाते ही हैं, उससे विटामिन डी और विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। विटामिन डी और B12 की उनको डेफिशिएंसी नहीं होती जो जामुन खाते हैं, जामुन की गुठली खाते हैं, आम खाते हैं, आम की गुठली को फिर सेक करके उसका मुखवास बना करके खा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सी तौर तरीके हैं, वो भी बताएंगे। और क्योंकि आज हमें किडनी के बारे में विशेष रूप से बताना है तो किडनी के लिए आसन भी बताएंगे, प्राणायाम भी बताएंगे, खान पान के तौर तरीके भी बताएंगे। जैसे भुट्टा बताया हमने, ऐसे ही हमको सप्ताह में कम से कम एक बार कुलस्थ की दाल ले लेनी चाहिए। अंगूठा अंदर, अंगूठे ऊपर, मुट्ठियां बंद और मंडू का आसन से शुरू कर रहे, क्योंकि इसका सीधा असर किडनी पर होता है। तो हम यदि अपनी किडनी को 100 साल तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 5-7 बातें भी साथ में बता देता हूँ जी। अभी तो भुट्टा का खाना हमने बताया था, ये तो भुट्टा का खाना है, अब इसका काढ़ा भी बनेगा। इसके अंदर कुछ बाल होते हैं, ये बाल बड़े काम के होते हैं, स्वामी रामदेव के ऊपर और नीचे सब जगह हैं। वैसे तो मैं पंच शिखा जा रही हूँ, और आप बहनों को भी बाल सिर पर होते हैं, ये मात्र सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होते हैं। सूर्य से सीधी ऊर्जा को हम अपने सहस्रार से अपने भीतर धारण करते हैं। तो भुट्टे के बालों का महत्व तो क्या है ये हम बाद में बताएंगे। कुछ ने सोच रखा है ये भुट्टा तो ठीक है, ये बाल भगवान ने क्यों बना रखे हैं, वो भी काम के हैं। अंगूठे अंदर, अंगूठियों ऊपर, मुठ्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियां लगी हुई, और ऐसे झुक जाए। अब किडनी के लिए 5-7 जरूरी बातें,
तीन से चार लीटर लिक्विड सबको जरूर लेना चाहिए। सुबह उठते ही कम से कम एक लीटर पानी एक एक ग्लास करके पियो, चाहे दो तीन बार करके पी लो, जरूर पीना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ा, आगे झुक गए। तीन से चार लीटर लिक्विड, जो पानी कम पीते हैं उनको क्या क्या बीमारियां होती है, किडनी फेलियर, दूसरा किडनी में सिस्ट, तीसरा हाइपरटेंशन, चौथा कॉन्स्टिपेशन, पांचवा जो पानी कम पीते हैं उनको स्किन की प्रॉब्लम्स। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, एक एक मिनट ऐसे करना है। तो श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं, इसको हटा लो भाई, इतना काम तो बिना कहे कर लिया स्वामी जी। वैसे कई लोग कम पानी पीते हैं, डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं तो वो ज्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में ज्यादा पानी पीने से भी नुकसान होता है। हर चीज का बैलेंस जरूरी है, बहुत ज्यादा पानी पीने से भी किडनी पर ओवरलोड आएगा। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, एक एक मिनट एक एक आसन करना है। अब देखो, आसन यदि आपने 10-20 सेकंड किया तो भी लाभ नहीं होगा, एक में बार में एक मिनट किया और पांच बार से ज्यादा किया तो उससे नुकसान भी हो सकता है। हर एक चीज की एक मात्रा है, उस मात्रा में ही उसका सेवन करना चाहिए। तो पानी की भी एक मात्रा है, घी दूध दही की भी एक मात्रा है, घी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो पहलवान है उनके लिए जो है फिर मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। तो घी दूध से लेकर के आयरन से लेकर के सोल्ट से लेकर के हमारे शरीर में जितना जो चाहिए, प्रोटीन से लेकर के कार्बोहाइड्रेट से लेकर के, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, मुट्ठियां बांध करके ऐसे और ऐसे हथेलियां खोल करके और ऐसे नाभि के ऊपर लगा के एक एक मिनट ये किया। ये मंडूक आसन जरूरी है। तो अभी किडनी के लिए 5-7 जरूरी बातें बता देता हूँ। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, ये सबके लिए जरूरी है। आप जो बता रहे थे डेटा आंकड़ा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात और सुन लो जी, जिनको भी डायबिटीज है उनको 35% लोगों को किडनी की प्रॉब्लम 100% होती ही होती है, क्योंकि कुछ लोग तो अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, इसलिए अपनी किडनी को बचा लेते हैं। जिनको डायबिटीज है उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और ये 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ऊपर गया कि खतरे की घंटी बज गई। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, ये सशक्त आसन है। ऐसे ही योग मुद्रा आसन भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठ करके दाएं पैर बाएं के ऊपर, बाएं दाएं के ऊपर। तो सुनो, जिनको भी डायबिटीज है उनको ये आसन डायबिटीज भी ठीक करेंगे और किडनी को भी ठीक करेंगे। जिनको डायबिटीज नहीं है तो किडनी में स्टोन बनता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, फिर किडनी पहले डायलिसिस फिर किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। जिनको डायबिटीज है उनको तो 100% आसन करना है, डायबिटीज के पीछे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। डायबिटीज और डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है किडनी फेलियर, फिर उसके बाद आता है साइलेंट हार्ट अटैक, डायबिटीज वालों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, फिर उनको रेटिनोपैथी आंखों की समस्या आती है, उनको नेफ्रोपैथी न्यूरोपैथी रेटिनोपैथी गैंग्रीन फ्रोजन शोल्डर सेक्सुअल वीकनेस जनरल वीकनेस। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, ऐसे एक मिनट तक ये करना। ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ पीछे रख करके ऐसे भी कर सकते हैं, और यदि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है तो पीछे से ऐसे पकड़ा पैरों को अंगूठे पकड़ने में, आपका शरीर तो फ्लेक्सिबल हो गया है धीरे धीरे, आप भी अच्छा कर रहे हैं, हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी भी कर रहे हैं यहाँ। बस स्वामी जी आप ही के साथ प्रैक्टिस करते हैं और यही सीख रहे हैं। और योग मुद्रासन नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ज्योत्सना जी, क्योंकि अभी मैं भी पूरा 4 तारीख से रात दिन 18-18, 20-20 घंटे यात्रा में चलता हुआ अयोध्या, अयोध्या से दिल्ली, दिल्ली से वापस हरिद्वार अपने, वैसे तो मेरा कोई ठोस ठिकाना नहीं, फिर भी लॉकडाउन में बड़ा ठिकाना बना हुआ अभी हरिद्वार में ये संत कुटीर में पहुंच गया, दाहिना पैर ऐसे मोड़ा फिर बाया हाथ ऐसे क्रॉस करके लेके आया, ऐसे घूम गए। एक भी दिन छुट्टी नहीं ली हमने, देखा आपको बात बता रहा था। हाँ, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और लूंगा भी नहीं, मैं अंतिम श्वास तक योग करता रहूंगा, अंतिम श्वास तक, और कराता रहूंगा।
सबको योगी निरोगी एक दूसरे के सत्कर्मों में सहयोगी उपयोगी बनाता रहूंगा। योग से सबके प्रोडक्टिविटी डिविनिटी क्रिएटिविटी बढ़ाता रहूंगा। सबको सृजनात्मकता रचना धर्मिता से जोड़ता रहूंगा और इसी से जीवन हमारा विकसित होता है दाएं के बाद बाईं ओर से। तो मैं कह रहा था किडनी के लिए खास। अब देखो इस समय मकोई ये लगी रहती है, ये मकोई का पौधा भी हमने रखा हुआ, पत्थर चट्टा रखा हुआ है। सब अपने घरों में पत्थर चट्टा मकोई गोखरू ये लगा के रखे। अब देखो कम से कम महीने में एक बार, कम से कम बता रहा हूँ, जिनको प्रॉब्लम हो तो रोज खाएंगे। ये जो पत्थर चट्टा है इसके पत्ते खा ले, तीन पत्ते खा लिए। ये पत्ता बहुत जबरदस्त होता है, ये पत्ता ऐसे ही खा लिया, ये खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है, थोड़ा नमकीन सा होता है, ऐसे इसको खा लिया। वो मुखासन इसके बाद बता रहे हमने अर्धमत्स्येन्द्रासन या वक्रासन बता दिया, बाएं पर नीचे दाएं पर ऊपर। सप्ताह में अथवा महीने में एक बार ये इसके पत्ते, फिर ये मकोई होती है, इसके मकोई के ये फल भी लगते हैं। पहले बच्चे बहुत खाया करते थे, अब तो बहुत तरह के बड़े बड़े फल आ गए, पहले इसे छोटे छोटे फलों से गुजारा कर लिया करते थे। इसके पत्तों का भी काढ़ा बनाएंगे, उसके लिए मैंने इसको रखा हुआ है। अच्छा स्वामी जी, गोमुखासन सप्ताह में अथवा महीने में एक बार परिवार में गोखरू का काढ़ा, ये मैं लास्ट के मैं एक काढ़ा भी आज बताने वाला हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। परिवार में किसी की किडनी फेल नहीं होगी। आज जगह जगह डायलिसिस कम पड़ गया, मैं देख रहा हूँ। अभी मैं कनखल गया था, रामकृष्ण मिशन के यहाँ हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो मेरे से बोले स्वामी जी हमें भी यहाँ डायलिसिस सेंटर बनाना पड़ेगा। हर जिले में हजारों की संख्या में लोग हो गए जिनको डायलिसिस पर जाना पड़ रहा है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराने वालों की तो लाखों की पूरी लाइन है, लोग किडनी के डोनर्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, साधारण बात नहीं है। पानी कम पीते हैं लोग और खाने पीने में तीखा तला हुआ ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं और स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इसका सबका असर आता है किडनी के ऊपर। गोमुखासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों के एक बार अथवा महीने में गोखरू का काढ़ा पीना चाहिए, उसमें मकोई पत्थर चट्टा। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, वो हाँ, बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप तो बता ही रहे हैं कि कैसे किडनी को ठीक किया जाए। मैं कुछ सवाल भी ले लेती हूँ बीच बीच में। जी अच्छा स्वामी जी, हमारी एक दर्शक हैं चारू गुप्ता, उनका ये सवाल है कि उनके पिता का जो क्रिएटिन लेवल है वो 4.72 है, तो अब इस क्रिएटिन लेवल को कम कैसे किया जा सकता है? 100% 4-6 से लेकर के मैंने 14 तक भी जिनका बढ़ गया था उनको ठीक किया है। इसके लिए एक्यूप्रेशर भी आज जरूर बताएंगे, जो इंस्टेंट बेनिफिट देता है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के हमारे शरीर के अंदर 4 मुख्य पॉइंट हैं, फिर जो है उसके लिए कुछ विशेष भी सहयोगी पॉइंट भी बताएंगे। गोमुखासन के बाद में ये भुजंग आसन भी कर लिया करें आराम से जितना हो सके ऐसे। मैं बता रहा था किडनी की देखभाल के लिए महीने में कम से कम एक बार पत्थर चट्टा मकोई या गिलोय गोखरू इसका काढ़ा पी लिया करें। भुजंगासन ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों छोड़ी के नीचे रख करके भी कर सकते हैं, और इसको कम से कम 10-20 बार ऐसे कर सकते हैं। महीने में एक बार कई तरह की चीजें खाते पीते हैं भाई, गोखरू अपने घर में ला के रख लो, खराब नहीं होता। एक बार पूरे परिवार को गोखरू का काढ़ा पिला दो, कभी किडनी स्टोन नहीं होगा, गाल स्टोन नहीं होगा, कभी किडनी फेल नहीं होगी, क्या दिक्कत है? कम से कम महीने में एक बार, सप्ताह में हो जाए तो अच्छी बात है। कुलथ का कुलथ की जो दाल है पूरा परिवार खा लिया करे, और तमाम तरह की दालें खाते हैं ऐसे लंबे लंबे श्वास आराम आराम से, क्योंकि किडनी के पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। हम मोटापा के लिए भी हम ये करवाते हैं, तब जल्दी जल्दी कराते हैं 50-100। अच्छा क्योंकि स्वामी जी आपने मोटापे का जिक्र किया, तो किडनी खराब होने की वजह से भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, और हमने देखा है कि हर आयु वर्ग के लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए? मोटापा वालों को एक तो ये 50-100 बार भुजंगासन बैठ करके स्थित कोणासन बता दूंगा अभी, ये एक तो ये अभ्यास है, उसमें थोड़ा फास्ट करें, 25-50-100 बार तक कर सकते हैं ऐसे।
एक तो ये, फिर गर्म पानी पिए और खाने पीने में आहार पर नियंत्रण करें। नमक बंद कर दें, मीठा बंद कर दें, अनाज भी कम कर दें, थोड़े दिन के लिए बंद भी कर सकते हैं, साग सब्जियां फलों पर ज्यादा आ जाए। मोटापा कम करने के लिए फिर 25 से 50 100 बार तक ये अर्ध हलासन ऐसे, फिर ये पादवृत्तासन ऐसे, ये मोटापा भी कम हो जाएगा और मोटापा के कारण से भी किडनी पर लोड बढ़ता है। फिर मोटापा के कारण से किडनी की प्रॉब्लम से मोटापा की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, ये बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो क्रिएटिनिन लेवल जिनका बढ़ा हुआ 4, 6, 12 तक भी, एक महीना जो मैं बता रहा हूँ करें, क्रिएटिनिन लेवल एकदम बढ़ना तो रुक ही जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। और 3 महीने में मैक्सिमम लोगों की किडनी ठीक हो जाएगी, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा, डायलिसिस की, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पादवृत्तासन है, ये एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। एक एक पैर से ऐसे पूरा बड़ा सन बनाए, थाई बटक सिर्फ से हल्के हो जाएंगे, पूरी गोलाई में पैर को ऐसे घुमाना, ऐसे पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरह से पूरी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, अवेयर होकर के करें इस प्रकार से ये। और फिर ये लास्ट द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से। तो मोटापा के लिए बता रहा हूँ, अभी किडनी के लिए भी बाकी है, किडनी के लिए अभ्यास बताएंगे। तो मोटापा के लिए एक तो ये 3 अभ्यास, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन और बैठ करके स्थित कोणासन बताएंगे। 5 अभ्यास 100, 200, 200, 300, 300, 500 बार करा देते हैं। 1 महीने में हम 15 से 20 किलो वजन घटा देते हैं। खान पान पर नियंत्रण तो जरूरी है, क्योंकि आहार से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है। अन्नमय कोश में अन्न कम करना पड़ेगा यदि ज्यादा बढ़ गया तो। फिर पवन मुक्त आसन किडनी के लिए, ये जरूरी है, सब कर लिया करें। इसलिए रोज के अभ्यास में हमें ये सहज आसन बताते हैं। देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें रोज करनी होगी, उसमें प्राणायाम तो मैंडेटरी है ही, उसमें कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन सीधे, कुछ उल्टे लेट के, कुछ खड़े होकर के, जिसके लिए जो बताए हुए पूरे पैकेज हमने कहे उसको पूरी निष्ठा से करें तो 100% परिणाम आएगा। 1 मिनट तक ये पवन मुक्तासन है, 1 मिनट तक ये उत्तान पादासन। नमक बहुत ज्यादा खाते हैं, किडनी पर बहुत ज्यादा उससे प्रेशर आता है। आप देखो किसी भी जानवर की किडनी फेल नहीं होती, चींटी से लेकर के हाथी तक, गधे से लेकर के घोड़े तक, किसी की भी किडनी फेल नहीं होती, किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती जानवरों में। अभी कुछ मनुष्य ने गलत आहार खिलाना शुरू कर दिया तो कुछ जानवरों में कैंसर की बीमारी जरूर हुई अभी, क्योंकि जो यूरिया DAP हम जो खा रहे हैं वही पशुओं को भी घास फूस खिलाना शुरू कर दिया, पोल्यूशन बहुत कर दिया। इसलिए गाय भैंसों खास करके पालतू जानवरों में, बाकी जानवरों में वो भी नहीं है, तो आहार का बड़ा असर होता है। तो उत्तान पादासन, नौकासन, दोनों तरफ से शरीर को ऐसे उठा दिए, 1-1 मिनट ऐसे करें, 1-1 मिनट करके 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक जा सकते हैं इस प्रकार से ये अभ्यास। फिर ये सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेंगे, कंधरासन भी इसको बोलते हैं, सेतु बंधासन भी बोलते हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, किडनी के कॉम्प्लिकेशंस और यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, जितने भी ये समस्याएं हैं, गाल स्टोन, उन सब के लिए जरूरी अभ्यास है। जो कर सके वो पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी कर सकते हैं, ये थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। सांस को बाहर छोड़ करके पैरों को खींचा और पैर के अंगूठे नासिका से लगा देते हैं, थोड़ा कठिन होता है, सबसे ना हो पाए कोई बात नहीं, अंत में शवासन करें। ये इतने आसन तो जरूरी है, मोटापा के लिए भी उल्टे लेट करके, भुजंगासन, सीधे लेट करके, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और बैठ करके ये अभ्यास ऐसे 25-50 बार। स्वामी जी आप लगातार बता रहे हैं किडनी की समस्या कैसे दूर की जा सकती है, किडनी से ओबेसिटी, मोटापे की प्रॉब्लम होती है, उसे कैसे हम निजात पा सकते हैं, लेकिन आजकल यूरिक एसिड बहुत कॉमन हो गया है लोगों में बढ़ना, 30-35 की उम्र हो या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे में इसके लिए क्या समाधान है? अभी देखो मैंने मोटापा के लिए अभ्यास बताया था, अभी ये चक्की आसन और पश्चिमोत्तान आसन भी करने से किडनी और मोटापा भी अच्छा होगा। यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छा है ये गोखरू का पानी पिए, ये पूरी बॉडी के
टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर देता है। ये गोखरू पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं, छोटे वाले भी मिलते हैं, बड़े वाले भी मिलते हैं। गोखरू बहुत जबरदस्त है यूरिक एसिड के लिए। चंद्रप्रभावटी दो दो गोली सुबह शाम, पुनर्नवादी मंडूर, इससे वाटर रिटेंशन भी खत्म हो जाएगा। किडनी की प्रॉब्लम से यूरिक एसिड से पूरे शरीर में वाटर रिटेंशन, सूजन भी आ जाता है, स्वेलिंग अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। तो ऐसे ये भी अभ्यास करते रहे, और ये जो है चक्की आसन के साथ साथ फिर ये आगे झुकना और पीछे भी ऐसे जितना हो सके पीछे ऐसे चले गए फिर वापस आ गए ऐसे, तो ये अभ्यास कर लें। अब देखिए आपने यूरिक एसिड का पूछा, यूरिक एसिड जो है ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा नमक, जंक फूड, फास्ट फूड। अब मैं अगला अभ्यास बता रहा हूँ प्राणायाम का, बहुत जरूरी है प्राणायाम। किडनी प्रॉब्लम्स में 90-99% 90-99% बेनिफिट कपाल भाति अनुलोम विलोम से होता है। शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम से करें, ये करें 100% यूरिक एसिड विद इन ए वीक और विद इन ए मंथ ठीक हो जाएगा। बस चंद्र प्रभावटी लें खाने के बाद और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, और यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ जाम हो गया, अर्थराइटिस भी हो गया, फिर ESR आर इफेक्टिव भी बढ़ जाता है। तो चंद्र प्रभावटी के साथ अश्वशिला दो दो ले सकते हैं, और पीड़ांतक, ये पेन किलर नहीं है, पीड़ांतक वटी एक एक या दो दो, पीड़ांतक अश्वशिला चंद्रप्रभा खाने के बाद पुनर्नवादी खाली पेट, और एक पीड़ांतक का चूर्ण भी ले सकते, वातारी चूर्ण बड़ा जबरदस्त है। लंबे श्वास लिए छोड़े, 5 मिनट ऐसे करना आराम आराम से। अच्छा स्वामी जी मैं एक सवाल ले लेती हूँ, हमारे एक दर्शक है नीलेश कटारिया, उनका अभी रिसेंटली किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं, जो प्राणायाम बता रहे हैं, क्या वो भी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये सभी आसन और योगाभ्यास कर सकते हैं? 4-6 महीने के बाद तो सारे आसन सारे प्राणायाम कर सकते हैं। 3 महीने तक भस्त्रिका अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ही करें, कपाल भाति ना करें, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में जो है जरूरी होता है उस समय 3 महीने तक कपाल भाती ना किया जाए, क्योंकि अंदर जो भी टांके आदि लगे हुए थे वो उनमें कहीं जो है सूजन आदि ना आ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो 3 महीने में पूरा हील हो जाते हैं सब अंदर से। और कपाल भाती ये अद्भुत है, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, चाहे आर इफेक्ट पॉजिटिव हो, जितने भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं जिनके कारण से किडनी प्रॉब्लम होती है, उन पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा माध्यम है कपाल भाती। जो कपाल भाती करेंगे, फैटी लीवर की समस्या, ये पेनक्रियाटाइटिस की समस्या, कोलाइटिस की समस्या, फिर किडनी में स्टोन, फिर किडनी में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, फिर गॉल ब्लैडर की समस्या, यूरिनरी ब्लैडर की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, पुरुषों को, लेडीज को यूरिन इन्फेक्शन की, हंसते हंसते खांसते खांसते भी यूरिन लीकेज हो जाता है, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। कपाल भाति के तो सैकड़ों लाभ हैं, यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्टिक पॉलीसिस्टिक ओवरीज, कहीं पर भी शरीर में गांठें, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ मोटापा, और जितने भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स और यूरिक एसिड आदि जो भी चीज़ें बढ़ जाती हैं और घट जाती हैं कुछ चीज़ें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की, विटामिन ई की, आयरन की, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है या कोई टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स कोई भी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, कपाल भाति सबको बैलेंस करता है, ये तो जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी हमारे एक दर्शक हैं, आपको प्रेशर भी मैं बताऊंगा, कपाल भाती करते करते ही अनामिका दुबे, हाँ पूछ लीजिए प्रश्न, हमारे कपाल भाती करते करते जी हमारी एक दर्शक है अनामिका दुबे, वो आपसे ये जानना चाह रही हैं कि अगर कोई डायलिसिस पे है तो क्या योगाभ्यास वो कर सकता है, कोई उम्मीद है ठीक होने की? 100% उम्मीद है, मैं 99% तो गारंटी देता हूँ, 1% तो देखो विधाता के हाथ में है, न जाने जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड किस तरह से कर रही है, कितनी आयु है, क्या उसकी फैमिली हिस्ट्री है, बॉडी का क्या टेंडेंसी है, माइंड का क्या टेंडेंसी है, थॉट प्रोसेस कैसा है, इन्वायरमेंट घर का कैसा है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। 99% लोग अपनी किडनी को जो है वो ट्रांसप्लांट होने से बचा सकते हैं, डायलिसिस से बचा सकते हैं। मैं कह रहा था
पांच पांच मिनट करके ये एक एक जगह दबाएं, 20 मिनट तक कपालभाति करते रहे, एक स्ट्रोक कपालभाति का एक बार यहाँ से दबाएं हथेली के बीच में, हथेली के बीच में और छोटी उंगली के टॉप पर। यूरिन के लिए भी जाते हैं तो उंगली खड़ी करते हैं, वैसे भी जल तत्व प्रधान है, अग्नि तत्व वायु तत्व ये तर्जनी, ये अग्नि अंगूठा तत्व, ये वायु तत्व, ये आकाश तत्व, ये पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व प्रधान है, पंच तत्वों से शरीर बना ना, तो ये जल का संबंध सीधा किडनी से है शरीर में। यहाँ से पांच मिनट दबाना यहाँ से जी। अच्छा स्वामी जी, कपालभाति भी हो जाएगा दोनों हाथों में, ऐसे ऐसे और इधर से भी ऐसे। कितनी देर तक दबाना है स्वामी जी? मैंने कहा 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, 5 मिनट अच्छा। का एक राउंड हो जाता है कपालभाति का, फिर उसके बाद 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। अच्छा हाथ और पैर दोनों में पॉइंट्स होते हैं? फिर 5 मिनट दूसरी किडनी में, दोनों हाथों में हथेली के बीच में और छोटी अंगुली के टॉप पर यहाँ, और ऐसे ही पैर में छोटी अंगुली के टॉप पर और हथेली के बीच में, ये पॉइंट, ये पैर की हथेली के बीच में, हाथ की हथेली के बीच में यहाँ पर, और दबाने से दुखेगा, ये इसका लक्षण भी है, पहचान भी है, जहाँ दुखे वहीं दबाओ और रोग मिटाओ, रोग भगाओ, रोग हटाओ। अच्छा हथेली के बीच से, में हाँ। पैर और हाथ में दोनों जगह पंजे के बीच से ही में दबाना होता है या उंगलियों से भी दबा सकते हैं स्वामी जी? नहीं, ये अंगूठे से, क्योंकि अच्छे से दब पाएगा, ऐसे किसी को अंगुलियों से भी दबाना हो तो ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई हार्ड चीज लेकर के, कोई पैन है, कोई ऐसे एक्यूप्रेशर के आजकल तो इक्विपमेंट भी आते हैं, उससे भी ऐसे दबा सकते हैं जी। और ये छोटे उंगली के ऊपर भी, तो प्राणायाम कपालभाति चल रहा है, मैं कह रहा था कपालभाति करते करते ही दोनों काम एक साथ हो गए, एक सप्ताह में रिजल्ट आएगा। हमारे डॉक्टर गुप्ता जो SGPGI के बहुत बड़े डॉक्टर थे, पहली बार आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग 20 साल पहले जब वो यहाँ हरिद्वार में आए, और मैंने उस समय हमारे पास में साधन नहीं थे, पतंजलि उपीठ भी नहीं बना था, तो हम कैंप करते थे, हमारा कैंप लगा हुआ था यहाँ हरिद्वार के अंदर, रेसिडेंशियल कैंप सतपाल महाराज के आश्रम के अंदर, प्रेमनगर आश्रम बोलते हैं। हमने वहाँ पर डॉक्टरों से चेक करवाया कि क्रिएटिनिन लेवल भी चेक करो, बोले क्यों, हमने कहा एक सप्ताह बाद इनका कम हो जाएगा, बोले तो इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, एक बार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए। अब देखो मेडिकल में ये कुछ बड़े अंधविश्वास हैं कि एक बार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाए तो डाउन नहीं आता, एक बार आंखों का नंबर आ गया तो नंबर बढ़ तो सकता है घट नहीं सकता, एक बार किसी का आर इफेक्ट पॉजिटिव आ गया नेगेटिव नहीं आ सकता, एक बार T3, T4, TSH बढ़ गया वो कम नहीं हो सकता। हमने T3, T4, TSH को 100% बैलेंस किया, कपालभाति, उज्जायी, सिंहासन, ग्रीवासन ये, और सर्वांगासन हलासन करा करके थायराइड क्योर कर दिया हमने, लोगों का क्रिएटिनिन लेवल क्योर कर दिया हमने, 2 से नीचे 4, 6, 8, 10, 12 तक, और कितने मैंने लाइव एग्जांपल भी दिए, पूरा हजारों लोगों का रिकॉर्ड है, ये कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है स्वामी रामदेव का, एविडेंस है इसके पीछे, साइंटिफिक रिसर्च है, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास में, करीब 5 करोड़ लोगों का डेटाबेस हमारे पास में, लाखों लोगों का जिनका क्रिएटिनिन लेवल ठीक किया हमने, किडनी में गांठ हो गई थी, लीवर में गांठ हो गई थी, यूटरस ओवरी में गांठ, लंग में, ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी, गले में गांठ हो गई थी, वो भी ठीक, कपालभाति तो जबरदस्त है। तो मैं कह रहा था ये जो अनुलोम विलोम करा करके हमने आंखों का चश्मा उतार दिया, शीर्षासन, सर्वांगासन, आंवला एलोवेरा का जूस पिला करके, छोटी उम्र से लेकर के 60-70 साल के एक सवाल आया स्वामी जी से लेकर के, कुछ तो मेरे नाम याद रहते, कुछ के कितनों के नाम बताओ। हाँ जी, एक सवाल आया है जमशेदपुर से, हमारी एक दर्शक हैं कमला कांत यादव जी, वो कह रही हैं कि 39 साल की उनकी उम्र है, किडनी में 7 mm का स्टोन है, क्या कोई आयुर्वेदिक उपाय है जिससे ये स्टोन दूर हो सके, निकल सके? 100% दूर हो जाता है किडनी स्टोन, थोड़ा जो है कुलथ का, कुल्थी की दाल का काढ़ा पिए रोज, रोज कुल्थी की दाल रात को भिगो दे, सुबह काढ़ा बना के पी ले, सुबह भिगो करके रात को काढ़ा बना के ले, कुल्थी की दाल का काढ़ा पिए, ये अस्मरीहर क्वाथ और वृक्कदोसर क्वाथ हम देते हैं, ये काढ़ा पी ले, ये पत्थर चटा है,
ये पत्थर चट्टा का काढ़ा पी ले, इसको इसको तो तीन तीन पत्ते सुबह शाम ले ले। और आज हम बताने वाले हैं, अभी ये जो काढ़ा है, काढ़े के अंदर मैं डाल ही देता हूँ, ये जो मकई है ना, इस मकई के अंदर ये जो अंदर इसके जो बाल जैसे होते हैं जी, ये इसके बाल जो है ये बड़े कारगर है। मैंने कहा भगवान ने ये जो बाल बना रखे हैं, ये खाली इसकी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बना रखे जी। तो ये जो बाल है अंदर के इसके, ये जो ये किडनी के लिए बहुत जबरदस्त होते हैं जी। तो ये जो बाल है हमने इकट्ठे कर लिए पूरे, ये बाल और ये गोखरू और मकोई ये सब डाल करके और ये फिर काढ़ा बन जाएगा। ये काढ़ा जो है, पानी और डालो जी स्वामी जी, तब तक एक सवाल भी ले लूं, सवाल आज बहुत आ रहे हैं, लाल हो जाएगा जी। हमारे एक दर्शक हैं मुकेश, वो ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले 8 साल से उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अब किडनी की समस्या डायग्नोज हुई है, तो ऐसे में क्या उपाय है, कैसे वो इस समस्या से समाधान पा सकते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस और किडनी दोनों एक साथ ठीक होंगे तो ये एक तो ये जो है मकई के जो केश हैं ये ले लिए, और ये गोखरू ये जरूर ले, ये गोखरू भी बहुत अच्छा होता है किडनी के लिए, और वृक्क दोषर क्वाथ और ये मकोई ये भी अद्भुत है। वृक्क दोषर क्वाथ जो है ये किडनी के रोगियों के लिए रामबाण है। वृक्क दोषर वटी चंद्रप्रभा वटी गोक्षरादि गुगुल ये हम सबको देते भी हैं, और ये सर्व जो है सर्वकल्प क्वाथ तो पेट के लिए, और वृक्क दोषर क्वाथ ही किडनी के लिए, अर्जुन का क्वाथ या हार्ट के लिए, ऐसे कायाकल्प क्वाथ जो है स्किन के लिए, मेधा क्वाथ ब्रेन के लिए, तो ये वृक्क दोषर क्वाथ ये भी ऐसे 2 चम्मच ऐसे ही इसको डाल लें। इसके अंदर ये सारी औषधियाँ, क्योंकि सब लोगों को जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके अंदर जो है ढाक है, पित्त पापड़ा है, पुनर्नवा है, पाषाण भेद, वरुण, कुलथ, अपामार, कासनी, पीपल, नीम, मकोई, गोखरू, धमासा, कुश, कांस, धान, और ये इसको पंचतृण बोलते हैं, सरकंडा, ईख, ऊट, ऊंट कटारा, और जो है गिलोय, अरणी, अमरतास, बला, शतावरी, विदारी, कटेरी, छोटी बड़ी, जो और कुटकी, जो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो काढ़ा है ये काढ़ा जबरदस्त है, सारी चीजें नहीं मिल सकती तो बस ये काढ़ा ही 2-2 चम्मच लेकर के और इसको ऐसे एक करीब 1 गिलास पानी में 400 ग्राम पानी में पका करके और फिर जो है इसको 1/4 बच जाए, 400 ग्राम का जब 100 ग्राम बच जाए तो छान करके इसको पी ले। तो ये काढ़ा मैंने बताया स्वामी जी, अभी तो इसमें वक्त लगेगा। इस तरह से ये हमारी प्राचीन चीजें थी। बहुत सारे सवाल आज आपके लिए आ रहे हैं और बहुत उत्सुक हैं लोग अपने सवालों के जवाब आपसे जानने के लिए। हमारे कुछ दर्शक ये पूछ रहे हैं कि किसी की किडनी में 12 mm का स्टोन है, किसी की किडनी में 24 mm का स्टोन है, तो क्या वो बिना ऑपरेशन के जो उपाय आप बता रहे हैं उनसे वो निकल जाएगा? ये जो अभी मैंने बताया वृक्क दोषर क्वाथ, अस्मरी हर क्वाथ, अस्मरी हर रस, ये हमारे यहाँ पर पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर है वहाँ पर मिलता है। अस्मरी हर रस 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लिया, कुलथ की दाल घर में बना करके पी ले, काढ़ा बना करके पी ले, कपाल भाति कर ले, और करते करते 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में सबकी पथरी दूर। और ये पॉइंट दबा ले 5-5 मिनट बस, हाथ में पैर में ये पॉइंट दबा ले, ये वाला पॉइंट, किडनी की प्रॉब्लम किडनी भी बढ़ गया तो ये दोनों ही दबा ले। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में वृक्क दोषर एक रस होता है, तो वृक्क दोषर रस वो भी अभी यहाँ पर हमने, लेकिन ये हमारे सभी सेंटर्स के ऊपर मिलता है। वृक्क दोषर पाउडर है वो 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लें, वृक्क दोषर क्वाथ और वृक्क दोषर वटी अस्मरी हर रस 2-2 ग्राम सुबह शाम, पूरा 100% इलाज है, बस ये पॉइंट दबाते रहे 1 सप्ताह। कितना ही बड़ा स्टोन हो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही कट कट के निकल जाएगा, लेडीज को हो या जेंट्स को, किसी को भी हो। गाल स्टोन यहाँ तक कि किडनी स्टोन के साथ साथ गाल स्टोन भी धीरे धीरे पत्थर चट्टा खिलाते हैं और प्रारंभिक अवस्था का तो जो है गाल स्टोन भी अच्छा हो जाता है। ये स्टोन की प्रॉब्लम भी अलग अलग एरियों के अंदर 7-10% लोगों को होती है, 7-10% लोगों को। तो ये मैंने कहा ना सप्ताह में या महीने में एक बार तो ये गोखरू का काढ़ा जरूर पी लें।
ये मकई खा ले और इसका जो अंदर का जो ये जो केस जैसे होते हैं ये इसके रेशे, इनको लेकर के इनका भी काढ़ा बना करके पी ले। छोटी छोटी बातें, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। कोलाइटिस है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये कोलाइटिस के लिए भी बहुत जबरदस्त है। बस घी, दूध और मीठा। आज एक बात और भी बता देता हूँ, ये तो कोलाइटिस वालों के लिए जहर है। घी ना खाएं, दूध ना पिए और चीनी ना खाएं। अच्छा, अब मीठे के तौर पर लोग चीनी ज्यादा खाते हैं। हाँ। अब ये तो क्या बताएं कि करीब करीब हाँ। शो की शुरुआत आपने भुट्टा भून के की थी, तो भुट्टे के बालों का फायदा तो आपने बताया, लेकिन भुट्टा ये जो कॉर्न के दाने होते हैं क्या ये भी फायदा करते हैं? इसके अलावा मेरा एक और सवाल है, अगर किसी को अचानक से स्टोन का पेन शुरू हो जाए तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए वो क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट रिलीफ के लिए देखो, भुट्टा का दाना तो फायदा करता है, मैंने कहा ना ये तो खाएं और इसका काढ़ा बना करके पी जाएं। इंस्टेंट फायदे के लिए ये किडनी का पॉइंट दबा लें, दबाते ही इधर से पॉइंट दबाया और उधर से दर्द दूर, इतना जबरदस्त फायदा है इसका, और मैंने खुद देखा है। वैसे किडनी का जो पेन होता है बड़ा खतरनाक होता है जी। तो तुरंत ये पॉइंट दबा लें दोनों हाथों में, दो दो मिनट ऐसे, और एकदम से रिलीफ हो जाता है। किसी को हार्ट अटैक तक हो जाए तो ये जिसको बोलते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो ये जबरदस्त फायदा करता है। एक्यूट मैनेजमेंट एलोपैथी में इसके लिए शब्द है। हार्ट के लिए यहाँ से, किडनी के लिए यहाँ से, हार्ट के लिए यहाँ से भी छोटे उंगली के पीछे से, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करवा देते हैं। इंस्टेंट एंजाइना पेन, इंस्टेंट किडनी का दर्द, इंस्टेंट कमर के दर्द, ऐसे दांत के दर्द में जो छोटे ये जो है ना, देखो नाखून के यहाँ मूल में यहाँ से दबा देते हैं, या ऐसे हार्ड जमीन के ऊपर फर्श के ऊपर हाथ ऐसे ही कर ले, इससे इंस्टेंट दांत का दर्द दूर हो जाता है जी। वैसे तो दंत कांति करते हैं उनको ना कभी दांत में दर्द होता है, ना पारिया होता है, ना और तमाम तरह की जो समस्याएं होती है वो दूर हो जाती है जी। और लगाते ही दांत में ऐसे ही दंत कांति लगाते ही दर्द भी दूर हो जाता है, तो इंस्टेंट भी बेनिफिट है। इसको एक्यूट मैनेजमेंट बोलते हैं स्वामी जी। आप तो ये जो अब काढ़ा तैयार हो गया वो भी बता देता हूँ, इस तरह से कलर होता है। काढ़ा तैयार है, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि काढ़ा कैसे बनाना है, इंस्टेंट पेन हो तो उससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपने वो तमाम योगा अभ्यास और प्राणायाम बताए जिसके जरिए हम किडनी की समस्या से, स्टोन की समस्या से निजात पा सकते हैं। अब ऐसे में जब तक आप काढ़ा छान लेते हैं तब तक हम कल का टॉपिक बता देते हैं, कल आप कैसे दर्शकों की परेशानियों को दूर करेंगे। तो कल के शो में स्वामी रामदेव बताएंगे कि आपकी किडनी को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है, ये उन्होंने आज बताया। कल वो आपको बताएंगे डिप्रेशन और तनाव भगाने का रामबाण तरीका क्या है। योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ जो सेशन कल होगा उसमें वो हर टेंशन को पूरी तरह से करेंगे दूर। स्वामी जी काढ़ा तैयार है, लगे हाथों आज का संदेश भी हमारे दर्शकों को दे दीजिए। ये काढ़ा तैयार है, और मैं तो कहता हूँ स्वस्थ व्यक्ति को भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये काढ़ा ऐसे महीने में एक बार पी लेना चाहिए, कुल्थी की दाल एक बार खा लेनी चाहिए जो मैं शुरू में बता रहा था, नमक कम से कम ले। आज मेरा अंत में संदेश भी यही है, हम दवाइयों के पीछे भागते हैं, हम अब इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर चारों तरफ से लुटेरे आ गए बाजार के अंदर। मैंने कहा था ड्रग माफियाओं के साथ साथ, नशा माफियाओं के साथ साथ, लग्जरी के माफियाओं के साथ साथ अब एक और माफिया आ गए। जिस किसी को देखो इम्यूनिटी बूस्टर, हैंड वॉश, इम्यूनिटी बूस्टर आटा, इम्यूनिटी बटर तेल, इम्यूनिटी बूस्टर, ये पता नहीं अभी शायद अभी कंप्यूटर भी ले आएंगे, मोबाइल भी ले आएंगे, सारी चीजों में इम्यूनिटी के नाम पर लोगों को बोलो बेच डालो, बोलो ये लोगों में डर है कि हमारी इम्यूनिटी कहीं कम हो। अरे तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो रही है, नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। जो घर का आटा है, घर की दाल है, घर की साग सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक साग सब्जियां, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, घर में तुलसी है, घर में गिलोय है, सारी चीजें ये इम्यूनिटी बूस्टर है। जो भी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल है, अहिंसक सात्विक जीवन पद्धति है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली है। और जितनी भी विलासितापूर्ण जीवन शैली है, जितने भी ये कृत्रिम साधन है जीवन के, ये सब आपकी इम्यूनिटी को ध्वस्त करने वाले। इसलिए प्रकृति अपनाओ, प्राकृतिक अहिंसक सात्विक जीवन पद्धति अपनाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। चाहे वो डेली रूटीन में आप आटा
खाते हो, नमक खाते हो, मीठा खाते हो, तो मीठे की जगह भैया हनी खाना शुरू कर दो, जैगरी गुड़ शक्कर खाना शुरू कर दो, हम मधुरम आदि भी देते हैं इसके विकल्प, नेचुरल आटा खाओ, जितने भी ये कृत्रिम साधन है, मतलब चाहे जो भी परेशानियां हमें बाजार में जाते हैं, समाधान भी हमारे आसपास में ही है, प्रकृति के पास ही है, इन सबको हटाए जी। स्वामी जी बहुत शुक्रिया, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल था, उन तमाम लोगों के सवाल आपने लिए जिनको किडनी की समस्याएं हैं। कल हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे, प्रणाम। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर जो मुंबई से आ रही है।